एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, आज है ट्यूसडे और मैं बस अभी मेरा लंच बना रही थी, मेरा और मेहू का। तो मैं आज बनाने वाली हूँ दही चावल, जो भी तड़के वाले मैंने कहीं शॉर्ट्स में देखा था, तो फिर मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि कल तो दही चावल ही बनेंगे। तो बस मैं चावल बॉयल करके आ गई हूँ और चावल हो रहे ठंडे, तब तक मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आजकल पता नहीं मेरे ब्लॉग में बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल मतलब लाइक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है उस चीज़ का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप मेरे ब्लॉग्स को अपने रिलेटिव्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे मेहू आप लोग देख सकते हो कि ये ड्रॉ खोलने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है। आज सुबह मेहू को मैंने बहुत जल्दी नहला दिया था, लेकिन ये बालों में ना तेल ही नहीं डालने दे रही है मुझे बिल्कुल भी। तो अब मैं सुला के फिर उठेगी, फिर डालूंगी। नहीं खुलेगा वो, उसमें क्या है? नो नो नो, कितना गुस्सा आता है इस लड़की को, कितना गुस्सा, कितना गुस्सा आता है, कितना गुस्सा। नो मैं नहीं खोलूंगी। ये क्या किया तूने गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, इसने क्या किया मेहू ने, अब रो रही है। ये पूरे घर में इसने पानी फैला दिया। इसने क्या किया, यहाँ पे चेयर पे चढ़ के फिर इसने यहाँ का ऊपर का नल चालू किया और नीचे से ये पाइप निकाल दिया। तो पूरे घर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरे किचन में पूरा पानी फैला दिया इस लड़की ने। बच्चों के साथ ना मतलब बिल्कुल थोड़ी सी अपनी नज़र हटती ना तो ये ऐसे कांड करते हैं। ये पहले भी एक बार कर चुकी है, मतलब अभी मैं क्या कर रही थी कि मैं वॉशरूम में थी, तो इस ये बोला कि मुझे पटी आ रही थी, तो मैंने इसको इस वाले वॉशरूम में बिठाया और मैं उसे उधर चली गई। मुझे लगा ये पटी करते ना तब मतलब पानी चलाती, ये खेलती है पानी से, तो मैंने सोचा पानी अंदर मतलब वॉशरूम में ये कर रही होगी, लेकिन इसने ये सब कांड किया यहाँ पे बाहर। आजकल ना ये ऐसे ही करने लगी, इसको जब भी मतलब पानी में खेलना होता है ना तो मुझे ऐसे ही बोलती, रात में भी कभी कभी 11-12 बजे बोलती थी मम्मा पोटी आ रही है। अब मुझे लगता है क्या पता सच में आ रही होगी, लेकिन इसको सिर्फ ना पानी में खेलना होता है बस। क्या कर रही है अब, इसको मैं फटाफट चेंज करा के नीचे से सब साफ करती हूँ और वापस पूरे में मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। फाइनली गाइस मैंने सब कुछ साफ कर दिया है और अब चेंज करके आई हूँ मैं। उसको मैंने चेंज करके सबसे पहले सुलाया, बहुत मुश्किल से सुलाया आज, पता नहीं उसको नींद क्यों नहीं आ रही थी। पहले भी मैं उसको सुला ही रही थी तभी उसने बोला कि मुझे पॉटी करनी है, तो इसलिए मैंने वॉशरूम में बिठाया था। और वो ऐसे ही करती है, जब उसको नहीं सोना होता है ना, बेड से निकलना होता है, उतरना होता है, तो बस वो या तो पानी पीना होता है या फिर पॉटी बस ऐसे ही बाहर ही निकालती है। तो आज तो उसने मेरा भयंकर वाला काम बढ़ाया, पूरे दिन मुझे काम में लगाया है उसने अच्छा खासा। तो अब जाके मैंने चेंज किया है, मैंने ना सुबह जल्दी नहाए थे आज, क्योंकि ना फिर पानी बहुत गर्म आने लग जाता है, तो इसलिए ना फिर नाइट ड्रेस ही पहन रखी थी। मैंने सोचा मैं बाद में चेंज कर लूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब काम बढ़ने वाला है मेरे लिए। तो बस, और ना पानी रूम के अंदर भी चला गया था, मैंने बाद में रियलाइज़ किया वो चीज़। और मेरा ना ये ट्रॉली बैग पड़ा था रूम में, तो इसमें मेरे सारे जो पोशाकें वगैरह मतलब सूट वगैरह सब कुछ उसमें पड़ा था, क्योंकि बाहर रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसे इस ट्रॉली बैग में रखा था सब। तो मुझे लगा ये भी सब गीले हो गए होंगे अंदर से, लेकिन वो कपड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने जो ये बिखेरा कर दिया है इसको मुझे सब समेटना पड़ेगा। तो ये भी काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसको फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उठ गई ना तो वापस से इन सबको भी बिखेरने लग जाएगी। तो फटाफट से मैं लग गई थी वापस कपड़ों को बैग में भरने के लिए। वैसे तो कपड़े मतलब गीले तो नहीं हुए थे, और वैसे आधे कपड़े तो मतलब कवर में मतलब थे इस वाली में, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन मैंने ना ऊपर से फटाफट से निकालने के चक्कर में कपड़े सारे बिखेर दिए थे मैंने, तो इसलिए सबको वापस फोल्ड करना पड़ा और सब सेट किए मैंने। और वैसे तो ये सारे कपड़े घर पे ही पड़े थे, लेकिन मेरी भाई की शादी में हम गए थे, तो वहाँ से ना ये पूरा बैग में वहाँ लेके गई थी सारी पोशाकें वगैरह, तो वहाँ से सीधा हम उदयपुर आए थे, तो इसलिए ये बैग फिर यहाँ लाना पड़ा मुझे। तो अब मैं एक एक करके वापस रखने वाली हूँ घर पे। यहाँ पे मैं इस हिसाब से भी रख रखे थे कि मैं रील्स भी बनाऊंगी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेहू भी उठ गई। आज आपकी बेटी ने क्या किया आपको पता है, पूरे दिन मेरे को काम कराया है इसने,
देखो अब वो क्या कर रही है जो पापा को, तो क्या ही शिकायत करो, पापा बोलेंगे तू क्या कर रही थी तब तक। पूरे दिन इसने मेरे से काम कराया है आज, पूरे दिन पूरे घर में पानी बिखेर दिया। वो सिंक वाला नल चालू करके नीचे से पाइप निकाल दिया, मैं वॉशरूम में थी, पूरे रूम में किचन में पानी 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 कर दिया। इसको सोन सुलाते हैं ना तो इसको हर कुछ सोचता है। इसमें मतलब इस साल ही पता चला कि ये नौतपा जैसा भी कुछ होता है। मुझे आपको पता था पहले? नहीं पता था ना? इस बार मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि ना ऐसे 9 दिन का, ने 9 दिन का ऐसा कुछ होता है जिसमें 9 दिन बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली गर्मी होती है। मतलब तो ये कल परसों से कुछ स्टार्ट हुआ था, उसके 9 दिन मतलब अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो सच में गर्मी का हालत खराब मैं कर ही रही है कि नौतपा और पता नहीं क्या ही आया है बीच में। किसके पापा है? मैं हूँ। का किसके पापा है? तेरा, मेरा तेरा पापा है। बोल मेरे पापा है। मेरा मैया, अरे रे, अरे रे। मेरा पापा क्या है मैया? पापा पापा किसके हैं? तो गाइस ये ना आए तब से मैं इनको बोल रही हूँ कि सब्जी ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे थे। ये बोले थे गर्मी कम होने दे, गर्मी कम होने दे। पता नहीं गर्मी तो कम होने ही नहीं वाली है। ये लो, ये लेके चल, मैं लॉक लगा के आती हूँ। तो अब मैंने जैसे जैसे इनको उठाया है, अब उठे हैं ये, सब्जी खिलाते। मेन ना आलू प्याज खत्म हो गए तो फिर बनाए क्या? तो पंखा चल रहा है, तब फिर से जाके सब्जी ले आते हैं और फिर खाना बनाऊंगी आपके। कहाँ जा रही है? कहाँ जा चल इधर चल, कहाँ जा रही है? आ जा। ये भी साफ कर रही है। तो सब्जी वगैरह लेने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके थे दही पूरी खाने के लिए, क्योंकि तो हस्बैंड का मन कर रहा था। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो एक प्लेट खा ही लेते हैं, क्या मेरी तरफ से तो कभी ना होता ही नहीं है। इसको वो खाना होगा, दिखाना। तो गाइस हम लोग सब्जी वगैरह लेके आ गए हैं और अब मैं खाना बनाऊंगी। और सच में बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रहा नहीं ये बता रहे, सच मतलब निकलते ना बाहर तब पता चलता है कि कितनी गर्मी है। घर में इतनी नहीं लगती है, बाहर तो इससे भी ज्यादा लगती है। तो हालत खराब हो रही है गर्मी से। तो बस अब मैं खाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊँ। हमने थोड़ी दही पूड़ी खा के आए थे और बस अब देखते हैं क्या बनाते हैं। और हमने ना वहाँ दही पूड़ी खाई ना, तो मेहू इतनी ज्यादा रोने लग गई ना, मतलब अब इसको दही पूड़ी तो कैसे ही खिलाए हम, इतनी बड़ी पूड़ी होती पूरी मुंह में कैसे डाल सकते हैं इसके। इतनी ज्यादा रोई वहां पे। फिर हमने इसको स्लाइस लेके दी है ना फ्रूटी। अम्मा बोलो। और ना मेरे लिए मैं ये लेके आई हूँ, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब वेफर है, मतलब लिख रखा है मीठी वाली नबाटी ऐसा कुछ करके लिख रखा है। लेकिन इसको ना गाइस अगर आपके यहाँ मिल रही है ना तो एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। ये चॉकलेट वाली मैं आज लेके आई हूँ। ये एक दिन ना सेजू और मेहू के लिए स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर लेके आए थे, इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा ना मुझे। मैं आज वापस लेने गई लेकिन ना वो स्ट्रॉबेरी वाला ही खत्म हो गया था। इसमें एक शायद कोकोनट वाला फ्लेवर था, एक चॉकलेट वाला है। तो मैं चॉकलेट वाला लेके आई हूँ अभी, नहीं तेरे लिए थोड़ी लाई हूँ, मम्मा के लिए लाई हूँ। मैया इससे ना मुझे छुपा के रखना पड़ेगा, फिर खाऊंगी मैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी मुझे। एक दिन इन दोनों के लिए लेके आए थे ना, वो भी एक में से इन दोनों को खिलाई मैंने। मतलब इसमें बहुत सारे निकलते हैं, बिस्किट बिस्किट नहीं वेफर जो भी है, और उसमें से भी मैंने खाया और एक मैंने छुपा के, इन दोनों से छुपा के मैंने खा लिया। इतनी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। कहाँ गई मैं हूँ?
उनको सब कर रही है करना। तो गाइस इस लड़की को अब मैं नहला के लाई हूँ, क्योंकि इसने क्या किया, ये टेबल लेके यहाँ पे चढ़ी और ये मेरी लिपस्टिक जो टूटी हुई है ना उसको लेके पूरे मुंह पे इसे रगड़ दी है। तो फटाफट से मैंने नहलाया इसको, नीचे यहाँ पे भी सब जगह पोछा लगाया, सारे में लिपस्टिक फैला दी, क्योंकि वो वैसे ही खराब हुई पड़ी है, वो पिघली हुई है। तो ऐसे एक बार में लिया पूरा मुंह। कैसे किया मैं, उतनी लिपस्टिक कैसे लगाई? हाँ तो मैं बस थोड़ी सी देर सब्जियां फ्रिज में रख रही थी, बस इतनी सी देर में इसने ऐसा कांड कर दिया। मतलब मैं क्या करूं, मतलब मैंने ये टेबल भी लेके बाहर रख दिया था, तो वहां से भी घिस के ले आती है, फिर यहाँ से चढ़ के सब लेके मेरा खराब करती है ये। अब इस सब मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब सब चीजें इसने मेरी खराब कर दी है ऐसे ऐसे। तो जस्ट मैं अभी खाना बना के आई हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, बता नहीं सकती हूँ मैं। और मेहू को लेके गए हैं उसके पापा नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आज, पता नहीं उसको क्या हो गया। कभी कभार वो है ना जिद पे आ जाती है, तो बस एक पूरा दिन मतलब ऐसे ही रहती है। आज सुबह से ऐसे ही वो रोते रोते ही उठी थी, और पूरा दिन आज उसने ऐसे परेशान किया है हमें, मतलब हमें तो क्या मुझे किया है। तो फिर मैंने इनको फोन लगाया, उनको आप ले जाओ इसको नीचे, तो खाना बनेगा, नहीं तो आज खाना भी नहीं बनेगा, इतना ज्यादा परेशान कर रही थी। जब मैंने उसको नहलाया ना, उसके बाद से वो वापस लिपस्टिक लेके बैठ गई थी। मैंने वो लिपस्टिक ही फेंक दी है मेरी, अब टूट तो गई थी वैसे भी वो, और बार बार ये मुझे इस लिपस्टिक की वजह से परेशान कर रही थी, और मैंने उसको लिपस्टिक को फेंक ही दिए फाइनली। और मुझे सबसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि मुझे वो फेवरेट लिपस्टिक थी, मुझे वापस लेने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना वो बार बार टूट रही है मेरी। तो देखते हैं अब, और बस अब मैं एक वीडियो एडिट करना है वो कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर ही आते हैं, फिर खाना खाते हैं। पापा परेशान हो गए तेरे से? ओ हो हो, तो आप सोचो मैं पूरे दिन कैसे रखती हूँ इसको, इधर बहुत करती है ये, आप पूरे दिन देखो तो पता चले ना आपको कितनी मस्ती करती है। जो ये देखो पूरी गीली होके आई है, ओके पापा बोल रहे मैं इससे परेशान हो गया हूँ, मैं बोल रहे आप सोचो मैं पूरे दिन इसको कैसे रखती हूँ। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, और मैं बर्तन वगैरह साफ करके जस्ट अभी आई हूँ, इधर मैं एक ब्लॉग एडिट करना है मुझे, वो मैं करके फिर सोऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे फेस से देख ही पा रहे होगे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान लग रही है। लेकिन एक ब्लॉग है जो मुझे कल अपलोड करना है, वो मैं अभी एडिट करके फिर सोऊंगी। और ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और गर्मियों से बचे रहो। बाय, गुड नाइट।